आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात धनबाद की, इसलिए क्योंकि छात्रों पर जब लाठी चार्ज हुआ उसने अब सियासी तूल पकड़ लिया और एक वीडियो भी सामने आया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एसडीएम ने लाठी चार्ज जब किया तो डीसी ने जांच कमेटी बनाई है, इसे लेकर इस मामले की जांच करेंगे। अपर समाहर्ता और सिटी एसपी डीसी संदीप सिंह ने यह जानकारी दी है। तो देखिये, लाठी चार्ज जब हुआ था कल छात्राओं पर, उस मामले को लेकर अब एक जांच कमेटी गठित की गई है और इस मामले की जांच करेंगे अब सिटी एसपी और अपर समाहर्ता। धनबाद में छात्रों पर लाठी चार्ज का मामला, डीसी ने जांच कमेटी बनाई है और ये लाठी चार्ज की तस्वीर आज की है। हम आपको बताएं, आज जब एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और अब ये तस्वीर देखिए, ये कल की तस्वीर जब छात्राओं पर लाठी चार्ज किया था, किया गया था, एसडीएम ने कैसे लाठी चार्ज किया था छात्राओं पर, ये देखिए। और अब इसी मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है जिसमें अपर समाहर्ता और सिटी एसपी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और देखिए, ये तो था कि छात्राओं पर लाठी चार्ज हुआ, लेकिन उससे पहले एक वीडियो था जो अब सामने आया है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि क्यों सख्ती बरतनी पड़ी थी। ये तस्वीर उस लाठी चार्ज के पहले की है जब छात्रों ने तोड़फोड़ की थी। जी हाँ, ये वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है कि कैसे छात्रों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद हालात को काबू में करने के लिए ये लाठी चार्ज किया गया। ये सख्ती प्रशासन की तरफ से की गई। ये तस्वीर उस वक्त की जब छात्राओं पर लाठी चार्ज नहीं किया गया था, उससे पहले का ये वीडियो है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक नया वीडियो वायरल हो रहा है छात्राओं पर लाठी चार्ज का मामला जैसे ही तूल पकड़ रहा है। अब देखिए, एक नया वीडियो आया है जिसमें उस लाठी चार्ज से पहले कुछ छात्र तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। और चलिए, अब आपको आज की तस्वीर दिखाते हैं। कल हुए लाठी चार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे, प्रदर्शन कर रहे थे, धनबाद को बंद कराने की कोशिश की, जगह जगह सड़क जाम किया, जिसके बाद पुलिस ने एक बार फिर छात्रों पर लाठी चार्ज किया और इस लाठी चार्ज में एबीवीपी के दो कार्यकर्ता घायल हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है जिसमें छात्राओं पर लाठी चार्ज हुआ था। और ये आज की तस्वीर है जब एबीवीपी के कार्यकर्ता कल हुए लाठी चार्ज के विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे थे, सड़क पर उतरे थे और देखिए कैसे प्रशासन ने लाठी चार्ज किया प्रदर्शनकारियों पर। इसमें दो कार्यकर्ता घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस तरह से धनबाद में एसडीएम ने छात्राओं पर लाठी चार्ज किया है, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। सरकार उन्हें बचा रही है और बीजेपी इसका विरोध कर रही है। साथ ही एबीवीपी के छात्रों पर हुए लाठी चार्ज पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरेगी।
एफआईआर दर्ज होने चाहिए थी, लेकिन राज्य की सरकार उस एसडीओ को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ आंदोलन कर रही है। और आज मुझे जानकारी मिली है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दमनकारी नीति, तानाशाही नीति, निरंकुश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करेगा। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के आंदोलन करने का भी तय करने वाली।